नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12 और 13 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है जिसका आंसर आप सभी यहाँ पर अच्छे से जानते होंगे। जो क्रिकेट प्रेमी होंगे या जो क्रिकेट आपके यहाँ पर देखते होंगे उनको इसका आंसर आसानी से पता होगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी ईशान किशन, यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। तो ईशान किशन ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। उन्होंने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चट्टोग्राम में खेले गए मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक इन्होंने बनाया है। ईशान किशन पुरुषों के वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने हैं। उन्होंने 24 साल 145 दिन की उम्र में दोहरा शतक इन्होंने आपका बनाया है। तो कई रिकॉर्ड इन्होंने यहां पर बनाए हैं। एक तो क्या रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे तेज दोहरा शतक, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक इन्होंने यहां पर बनाया है। और दोहरा शतक बनाने वाले ओवरऑल अगर यहां पर बात करें तो ओवरऑल जो है ये आपके सातवें बल्लेबाज जो है यहाँ पर आपके बने हैं। ओवरऑल बात कर रहे हैं यानी कि विश्व के भी हम यहाँ पर मिला ले तो सातवें बल्लेबाज जो है ये आपके बने हैं जिन्होंने कि दोहरा शतक यहाँ पर लगाया है। और यह जो है नौवा दोहरा शतक इन्होंने, विश्व का नौवा दोहरा शतक इन्होंने यहाँ पर लगाया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करें कि भारतीय वह कौन भारतीय है जिन्होंने अभी तक जो है दोहरा शतक आपका लगा दिया है। तो सबसे पहले जो दोहरा शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने आपका लगाया था। उसके बाद जो दोहरा शतक लगा वीरेंद्र सहवाग के द्वारा लगाया गया। और उसके बाद जो दोहरा शतक लगाया वह रोहित शर्मा ने आपका लगाया। और रोहित शर्मा जो है आपके तीन दोहरे शतक अभी तक लगा चुके हैं। और तीन दोहरे शतक लगाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज कौन है तो दोस्तों रोहित शर्मा है। तो यह दोहरे शतकों से जुड़ी जानकारी आपको यहां पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को 11 दिसंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर द्वारा किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। या सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो इन्हें हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका यहां पर बनाया गया है। इन्होंने 17वें मुख्यमंत्री के रूप में आपकी शपथ ली है। दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसको देवों की भूमि के नाम से आपका जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। राजधानी शिमला है। राज्यपाल कौन है तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर वर्तमान में जो है आपके यहाँ के हिमाचल प्रदेश के आपके जो है राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है तो दोस्तों यह आपका तमिलनाडु बना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तमिलनाडु भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में राज्य तमिलनाडु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता आपकी यहां पर प्राप्त कर लेगा। तो यह इंपोर्टेंट यहां पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया तो दोस्तों ये कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसको कमीशन किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली मुंबई और अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो यह सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चाहे आप करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह केरल का सबसे बड़ा और भारत का सातवां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है तो कोचीन हवाई अड्डा।
नड्डा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो दोस्तों इसका उद्घाटन आपका केरल में किया गया। ऑप्शन है यहां पर राइट आंसर बनता है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को एर्नाकुलम जिले के अलुवा में स्थित केरल के राज्य बीज फार्म का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला फार्म है जो कार्बन न्यूट्रल है। फार्म कार्बन टटस्थ खेती का अभ्यास करता है जिसमें मिट्टी में ही विभिन्न कृषि प्रथाओं के दौरान जारी होने वाले सभी कार्बन का अवशोषण आपका शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षकता मेला आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों यह आपका आयोजित किया जाएगा 12 दिसंबर को, यानी कि आयोजित किया जा चुका है। कब किया गया आयोजित, तो 12 दिसंबर यानी कि कल के दिन इसको आपका आयोजित किया गया था। 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला यानी कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया है। उम्मीदवार जो कक्षा 5 से 12वीं पास कर चुके हैं और जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या आईटीआई डिप्लोमा धारा के स्नातक है, वे इस शिक्षुता मेले के दौरान आवेदन आपके यहां पर कर सकेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो दोस्तों यह शपथ ली गई है भूपेंद्र पटेल के द्वारा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री या गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई है, तो दोस्तों नाम है भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी जानकारी यहां पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद के आगे शपथ लेंगे। गांधीनगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के राज्यपाल है जिनका नाम है आचार्य देवव्रत, इन्होंने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहां पर है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष यह आपका 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर 2017 में अपनाए गए संयुक्त राज्य महासभा के प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 12 दिसंबर 2017 को इसको आपका मनाया गया, यानी कि इसको मनाने की शुरुआत वर्ष 2017 से ही आपकी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है, तो दोस्तों यह आपके नागपुर में रखी गई है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हमारा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बैंक को वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को यह आपका सम्मान यहां पर मिला है। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 दिसंबर 2022 को एक विज्ञप्ति में कहा है कि उसने 10 अक्टूबर 2022 को सोची रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में ईएजी पुरस्कार इन्होंने यहां पर प्राप्त किया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाले यूरेशियन समूह एक एफएटीएफ प्रकार का क्षेत्रीय जिसमें भारत सहित 9 सदस्य शामिल है। वह भारतीय स्टेट बैंक, अगर इसकी बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो यह भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हंसमुख आदिया वर्तमान में इसके प्रमुख है। प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, तो संजीव चड्ढा है। बैंक का मुख्यालय कहां है, तो वडोदरा गुजरात में है। और बैंक की जो टैगलाइन है वह क्या है, तो भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक है, इसकी जो है आपकी टैगलाइन है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में आज के वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है उसका आंसर आप सभी को यहां पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, 4 ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहां पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था आज के अफेयर्स का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली जो करंट अफेयर्स होता है उसके वीडियो मिलेंगे। और जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, जो कि आपका पूरी तरीके से मध्य प्रदेश उसमें आपका कवर होता है, मध्य प्रदेश ओरिएंटेड
ओरिएंटेड होता है, वह भी आपका डेली, यहाँ पर उसका वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चाहे आप यहाँ पर मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेशनल लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों से संबंधित मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही हमारी ऐप है निश्चय एग्जाम ऐप, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा और जो टेस्ट सीरीज है वह भी आपको वहां पर मिलेगी, जिससे कि आप आपकी आगामी आने वाली जो आगामी परीक्षा है उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, अपने आप को तैयार कर सके और आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।